हेलो एवरीवन, मैं अमित दीक्षित, मैथ्स फैकल्टी। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पूछो तो एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक के पीछे जिस टॉपिक का जो नाम है देख सकते हैं क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो अपनी क्लासेज में मैं इसको बोलता हूँ शानदार स्ट्रेट लाइन, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस टॉपिक में स्पेशली जो स्ट्रेट लाइन के जो हम के अंदर जो करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं स्पेशली आज की क्लास में दोस्तों, हम आईआईटी जेईई के लेटेस्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो भी रिसेंटली आए हुए हैं। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो देखो दोस्तों, सेशन से पहले मैं आपको एक बार, जैसे हमारा जो शेड्यूल चल रहा है आईआईटी जेईई क्रैश कोर्स का, उसके अकॉर्डिंग आज की डेट के अकॉर्डिंग हमारा जो टॉपिक है 21 मार्च का क्या है, स्टेट लाइन वन। ऐसे ही कल भी हम करेंगे दोस्तों स्टेट लाइन टू। स्टेट लाइन टू में क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हम पेयर ऑफ स्टेट लाइन पढ़ेंगे एंड उसके जो क्वेश्चंस आए आईआईटी जेईई के वो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन। तो एक बार जो जितने मेरे दोस्त हैं उन लोगों को जो मेरा कठिन नियम है क्लास का वो एक बार याद दिला देता हूं कि कठिन नियम क्या है, कि आपको बस ध्यान से सुनना है। जानता हूं कठिन होगा लेकिन आप ये सब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखो पहला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इफ द स्ट्रेट लाइन 2x-3y+17 इज परपेंडिकुलर टू पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, बहुत इजी सा क्वेश्चन आई थिंक। तो इजी है तो इजीली सॉल्व करते हैं, अगर डिफिकल्ट होगा तो डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो क्या बोल रहा है कि भाई कोई स्ट्रेट लाइन है जो परपेंडिकुलर है इन दो के। तो फॉर एग्जांपल कोई मैंने स्ट्रेट लाइन ले ली भाई, ये लाइन ले ली मैंने 2x-3y+17=0। और कह रहा है जो ये लाइन है परपेंडिकुलर है इन दो पॉइंट्स के। दोस्तों जैसे ही वर्ड आए कि दो चीज परपेंडिकुलर है, ऑलवेज दिमाग में आपके स्ट्राइक करना चाहिए क्या, कि भाई m1 m2=-1 लगाने के लिए बोल रहा है, कि दोनों का स्लोप वाला फॉर्मूला कि स्लोप ऑफ प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, माइनस वन के। ऑलवेज याद रखना कि अगर दो लाइन किसी दो पॉइंट के परपेंडिकुलर है, दो लाइन परपेंडिकुलर है, सीधा स्ट्राइक करना चाहिए कि m1 m2=-1 लगाने के लिए आपको बोल रहा है। तो क्या करना है, तो ये लाइन का स्लोप हम कैसे निकालते, तो हमें याद आ रहा होगा भाई जनरल इक्वेशन, ठीक है जो हमारी है दोस्तों, क्या होती है जनरल इक्वेशन, ax+by+c=0। तो इसका जो हमारा स्लोप का फॉर्मूला होता है क्या होता है, m=-a/b। तो इसका तो यहां से हमारा इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू कितनी है 3, तो माइनस, तो यहां से आ गया 2/3। तो इस लाइन के स्लोप को मैं m1 बोल रहा हूं। m2 कैसे निकालेगा, तो कह रहा भाई ये दोनों लाइन, ये दो पॉइंट जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर होंगे, जो लाइन पास होगी। तो लेट सपोज दो पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, जिससे कोई लाइन हमारी पास हो रही है। मान लो ये पॉइंट ले लिया हमने, एक पॉइंट को हमने दोस्तों बोल दिया 17 वर्टिसेस या कोऑर्डिनेट हो गए इसके, और इसके हो गए दोस्तों अपने 15 बीटा। चलो अब क्या बोल रहा है, एक तो स्लोप निकाल लिया, दूसरा स्लोप निकालना है, कैसे निकालेंगे तुम्हें याद आना चाहिए भाई, दो पॉइंट गिवन है तो क्या याद आएगा, टू पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, क्या था वो, तो एक बार याद दिला दे रहा हूं, आई थिंक अब याद आ गया होगा। तो ऐसे दो पॉइंट ले रहे हैं, इसको दोस्तों हमने x1 y1 मान लिया, तो इसको x2 y2 बोल दे रहे हैं। तो पुट कर दो दोस्तों, तो y2 हमारा क्या है, β-y1 17, और x2 हमारा क्या है, x2 है हमारा 15-x1, वो है अपना 7। अब क्या करना है भाई, इसको फॉर एग्जाम्पल चलो हम m2 बोल दे रहे हैं, m1 इसको लिया तो इसको m2, क्या करना है, दोनों परपेंडिकुलर है तो फॉर्मूला याद आ गया दोबारा से, m1 into m2=-1। पुट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने, देखो फिर। तो m1 क्या है अपना माइनस माइनस दोस्तों, ये अपना प्लस हो जाएगा, इंटू m2 क्या है दोस्तों हमारा, वो है β-17/15-7 क्या जाएगा 8=-1। कुछ कैलकुलेशन जो लोगों 2 से इसको कैंसिल आउट कर दिए, 4 आ गया, तो ये अपना आ गया β-17=3×4=12, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 12, तो यहां से दोस्तों हमारा बीटा जाएगा 5। चेक करो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन अब नंबर
डी। देखो ये दोस्तों क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आईआईटी जेईई के अंदर दोस्तों देख रहे हो आप कुछ ज्यादा हुआ नहीं है, बस आपको करेक्ट तरीके से करेक्ट फंडे पता होने चाहिए, बाकी सब क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर टू, आहा थोड़ा सा देखने में डरावना लग रहा होगा बट कोई नहीं है, डिफिकल्ट लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिफिकल्ट है तो याद करो लाइन, डेफिनेटली सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन है एट ए डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओके ठीक है। तो आप लोग अगर पढ़ लो, मैंने पढ़ लिया है, अब मैं इसको आपको एक बार समझा दे रहा हूं क्या कह रहा है। कह रहा है कि भाई कोई लाइन है, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने कोई लाइन ले ली एल, कितने डिस्टेंस पे ओरिजिन से, ओरिजिन से दोस्तों ये डिस्टेंस पे है 4 यूनिट पे, तो ओरिजिन से मान लो, अच्छा देखो ओरिजिन से डिस्टेंस बोला है तो दोस्तों इसका मतलब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है इसका मतलब। तो मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दे रखा है 4 ओरिजिन से। आगे क्या बोला है क्या भाई, एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन मेक्स एन एंगल of 60 degree with this line, okay, then equation of the line L is, okay, कह रहा है जो ये line है इसके साथ ये perpendicular कितना angle बना रहा है 60 degree, अब हमें दिखना चाहिए x plus y, ये तो भाई straight line की equation है जो origin से pass होगी, तो हमने देख लिया कि भाई x plus y equal to 0, यहाँ से y equal to minus x, y equal to minus x की कैसी line होगी दोस्तों, यहां से पास होगी इस तरीके से कुछ होगी। और क्या बोल रहा है उसने कि भाई ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था कितना एंगल बना रहा है लाइन के साथ 60 डिग्री, मतलब ये एंगल है आपका 60 डिग्री। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, कह रहा है भाई कोई लाइन है एल, ओरिजिन से डिस्टेंस है 4, और बोल रहा है कि जो डिस्टेंस है लाइन जो एक्स प्लस वाई है उसके साथ जो एंगल बना रहा है कितना बना रहा है 60 डिग्री। अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ लाइन, तो पहली बात तो दोस्तों हमें एक चीज यहां से क्लियर होनी चाहिए कि हमें क्या लगाना है इस क्वेश्चन में। तो आपको क्या दे दिया उसने कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर परपेंडिकुलर वाला फंडा यूज होता है। तो आपको याद आ रही होगी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म जिसे हम बोलते हैं, क्या इक्वेशन होती है उसकी, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी। पी क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और थीटा क्या होता है हमारा एंगल, जो ये एंगल परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो करना है क्या अब कि भाई एंगल पता चल जाए, डिस्टेंस तो पता ही है, अब बचा क्या है थीटा निकालना है क्वेश्चन के अंदर। तो थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन में और दे रखा है तो भैया देखते हैं एक बार क्वेश्चन को ताड़ते हैं कि कुछ तो होगा, तभी इसने बोल रखा है। तो भैया हमने देखा क्वेश्चन में क्या दे रखी, एक लाइन भी दे रखी यार, इसके बारे में तो हमने कुछ सोचा ही नहीं। तो क्या है एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, इसका क्या यूज है, इसका भी तो कुछ होगा, बस यही आपका हेल्प करेगी, आपकी हेल्प करेगी थीटा निकालने में। तो देखो हमें पता है x प्लस वाई इक्वल टू, तो y इक्वल टू माइनस वन है, तो अगर इसको मैं कंपेयर करूं तो y इक्वल टू m x से, तो यहां से m की वैल्यू क्या होगी कंपेयर करूं तो माइनस वन, माइनस वन का मतलब अगर m इक्वल टू टेन थीटा, ये तो हमें पता ही है, तो यहां से थीटा क्या होगा, हम सोचे तो क्या होना चाहिए 135 डिग्री, तो यहां से हमारा थीटा क्या आ गया 135 डिग्री। ऑब्वियस ही बात है माइनस वन है तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस वन, तो माइनस वन मतलब ये पूरा एंगल यहां से यहां तक का ये पूरा एंगल कितना है 135 डिग्री, ये पूरा एंगल 135 डिग्री है, और ये वाला पोर्शन जो है अपने पास, चलो दूसरा कलर ले रहा हूं मैं, तो ये वाला जो अपना है ये अपना 60 डिग्री दे रखा है और ये वाला 135 डिग्री, तो भैया ये वाला ये जो एंगल है ये जो थीटा है कितना आ गया 135 में से माइनस कर दे 60 डिग्री तो क्या बचेगा अपना, ये बचेगा आपका 75 डिग्री, ये आ गया अपना कितना 75 डिग्री। तो बस थीटा पता है, पी पता है, पुट करेंगे इक्वेशन
सॉल्व करेंगे, लेकिन थीटा 75 कैसे निकालेंगे? कुछ लोग मेरे दोस्त यहां पे भी अटकेंगे, मैं पक्का कह रहा हूं, तो उनके लिए इसको मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूं लोग के लिए कि थीटा 75, कॉस थीटा 75 और साइन थीटा 75 कैसे निकालेंगे। तो देख लो, तो कॉस 75 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, आई थिंक ये शायद आपको ना दिख रहा हो, दोबारा से रेडी ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉस 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं दोस्तों कॉस 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, एक तरीका है। अब कॉस 30 प्लस 40 है, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद आ रहा होगा क्या? सही बोल रहे हो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या? दोबारा से, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, पुट कर दो इसके अंदर, प्लस है अगर यहां माइनस होता तो क्या होता है यहां पे? चलो ये भी बता देता हूं कि अगर प्लस होता है तो यहां पे नेगेटिव आता है, अगर यहां पे कॉस ए माइनस बी होता तो क्या साइन आता? बीच में प्लस आता, ठीक है। याद रखना है ये सब चीज अपने को, छोटी छोटी चीजें हैं मगर दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो तो देखो इसको फॉर्मूला लगाते हैं, फिर इसके साथ हमारा जो फॉर्मूला यूज करेंगे इसके बाद हमें मिलेगा कॉस ए का, कॉस ए क्या अपना कॉस 30 रूट 3 बाई 2, कॉस 45 डिग्री 1 बाय रूट 2, साथ में अपना माइनस साइन 30 डिग्री 1 बाय 2 एंड साइन 45 डिग्री ये 1 बाय रूट 2। तो ये वैल्यू दोस्तों हमारी आ रही है रूट 3 माइनस 1 अपॉन में 2 रूट 2। सिमिलरली आप साइन 75 डिग्री की भी वैल्यू निकाल सकते हो, तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, दोबारा से क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर, इसके अंदर हम लोग करेंगे साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। दोबारा फॉर्मूला मैं इसके यूज कर दूं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है हमारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, याद आ रहा होगा सभी को, ठीक है। तो साइन 30, चलो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं इनकी, साइन 30 अपना 1 बाय 2, ठीक है, फॉर्मूला अब मैं लिख नहीं रहा हूं, साइन 30 अपना 1 बाय 2, कॉस 45 अपना 1 बाय रूट 2, कॉस 30 रूट 3 बाय 2 इंटू साइन 45 डिग्री 1 बाय रूट 2। तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई दोस्तों रूट 3 प्लस 1 अपॉन में 2 रूट 2। अब ये दोनों चीजें मैं पुट कर दूं उसके अंदर, पी अपने को क्या है, पी ए डिस्टेंस, पी यहां अपने को 4 पता ही है, तो अब ये दोनों चीजें, ये रूट 3 माइनस 1 बाय 2 रूट 2, और ये पुट कर दे रहा हूं यहां पे, फिर मैं x तो p अपना दोस्तों 4, cos था हमारा रूट 3 माइनस 1 अपॉन में 2 रूट 2, प्लस y ये था हमारा रूट 3 प्लस 1 अपॉन में 2 रूट 2। तो 2 रूट 2 एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां से अपने को आ रहा है जो वो है रूट 3 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 8 रूट 2। तो ये हमारे को फाइनली मिला है, चेक करें अपना ऑप्शन क्या भैया सही निकला नहीं निकला। तो देखो कोई ऑप्शन है दोस्तों, तो दोस्तों अपना ऑप्शन डी मैच कर गया। तो दोस्तों ये अभी आपको टाइम इसलिए लग रहा हूं कि मैं आराम आराम से आपको की चीजें बता रहा हूं लिखवा रहा हूं, दोस्तों 1.5 से 2 मिनट लगेंगे मुश्किल से इस क्वेश्चन को, ठीक है, आप तेजी से करोगे तो कुछ नहीं करना, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, एक छोटा सा पॉइंट था, इतना डिफिकल्ट नहीं था ये, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो अच्छा, उससे पहले हैंडसम लग रहे हो सर, थैंक यू, मजा आ रहा है, थैंक यू, ओके, हेलो, थैंक यू थैंक यू, जितने भी लोग तारीफ कर रहे हैं, थैंक यू सो मच गाइस, ओके ओके। चलो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने, चलो देखो नेक्स्ट टॉपिक में सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोबारा से ITJEE का 2019 में 12 जनवरी को हुआ है। जो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है फेस स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, दे रखा है दिस सच दैट इंटरसेप्टेड पोर्शन बिटवीन द
भैया आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन है हलवा, ठीक है, फटाफट इसको निपटाओ भैया, खत्म करो, इजी क्वेश्चन है तो इजीली सॉल्व कर डालो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। देखो क्या है, कह रहा भाई कोई स्ट्रेट लाइन है जिस किस पॉइंट से पास हो रही है, -3.4 तो मतलब इस क्वाड्रेंट में हुआ कहीं पे, तो मान ले हमारा पी था जो -3.4 है, और कह रहा है जो ये पॉइंट है कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट करा, बाइसेक्ट करने का मतलब ये पी जो है इस लाइन का क्या होगा, एक तरह से मिड पॉइंट होगा, और लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अच्छा देखो इसके अंदर क्या होगा ना, कुछ कुछ जो दोस्त है मेरे वो ज्यादा दिमाग लड़ाएंगे, वो कहेंगे सर ऑप्शन उठाओ, पटको ना इसमें, क्यों इतना मेहनत कर रहे हो, पटको, उठा के पटकेगा तुम्हें उल्टा ये क्वेश्चन। देखो जरा जैसे तुम पुट करोगे, ये भैया इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, देख लो आगे भी सेटिस्फाई। तो भैया आईआईटी जेईई तुम जितना दिमाग लड़ा रहे हो ना, जो ऊपर वाले जो पेपर बना रहे हैं वो भी खिलाड़ी हैं, तुम अकेले खिलाड़ी नहीं हो, ठीक है। तो अगर एक ऑप्शन नहीं, तरीका ठीक है, अगर एक पुट करने का डायरेक्ट आ रहा हो तो ठीक है, लेकिन देखा नहीं आ रहा, हर ऑप्शन के अंदर ये चीज चल रही है, हर सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन अपना, ठीक है। तो यही अपने को करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से जाना पड़ेगा, ऑप्शन मेथड यहाँ काम नहीं करेगा अपना। तो देखो क्या करें फिर, लेट सपोज फिर अपने इक्वेशन लेट कर लेते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इसको मान लेते हैं दोस्तों इंटरसेप्ट फॉर्म क्या, एक्स ये वाले कोऑर्डिनेट को मैं -A.0 ले रहा हूं बिकॉज नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, और ये अपना 0.B, तो अपनी इक्वेशन क्या आ जाएगी, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या स्ट्रेट लाइन की, x/A + y/B = 1, लेकिन यहाँ पे इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट कितना है -A के बराबर है, पुट करो। लेकिन अब ए और बी कैसे निकालें, चीज तो भैया एक चीज गिवन है, फिर देखा ताड़ा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ताड़ा, यहाँ ताड़ना गलत नहीं है, यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव तरीके से भी ताड़ना होता है, यहाँ ताड़ा, देखा भाई इसी से निकालना है, तो याद आया मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो क्या करेंगे, जो अपना जो पॉइंट है मिड पॉइंट है मतलब -A + 0 मिड पॉइंट फॉर्मूला = 2 किसके बराबर होगा, -3 के, मिड पॉइंट फॉर्मूला याद आ रहा होगा ना, x1 + x2/2 = जो भी मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट को ऐड करें = 3, तो यहां से अपना a जो आ रहा है वो आ गया 6, कैलकुलेशन मिस्टर माइनस, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली मिड पॉइंट फॉर्मूला y में भी लगाया भाई, तो 0 + b / 2 किसके बराबर है, 4, तो b आ गया कौन सा, कितना आ गया 8 आ गया, तो भैया a 6 आ गया, b 8 आ गया, पुट करो x/-6 है, y/8 = 1, एलसीएम लेंगे दोस्तों, एलसीएम हमारा आ गया 24, तो ये आ जाएगा अपना यहां से, ठीक है, -4x और यहां से आ जाएगा आपका 3y = 24, तो यहां से अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा, कोई और कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं अपने यहाँ पर, ठीक है 4x, ठीक है ओके ओके और ठीक है ठीक है, अच्छा ओके, यहाँ से हम लोग माइनस साइन कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा, ठीक है ओके ओके, यहाँ से माइनस साइन मैंने पूरे में से कॉमन लिया, तो यहाँ पर भी आपका नेगेटिव साइन आएगा, तो क्या आ गया 4x - 3y = -24, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो फिर, सॉरी अगेन, प्लस 24 = 0, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी, यही अपना करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन, अब पुट करो, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यही अपना प्रॉपर मेथड है, बिकॉज ऑप्शन वाला मेथड यहाँ कई ऑप्शंस के अंदर सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसको छोड़ना पड़ेगा, कन्वेंशनल मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं किसी को, पक्का, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अ पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन 3x + 5y = 15 विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस विल लाई ओनली इन, तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिखने में तो भैया छोटा बम है, लेकिन धमाका बड़ा होता है इससे, इसका कारण है कि जैसे इसको मैं देखता हूं तो मैक्सिमम बच्चे जो मुझे लग रहा है ऑप्शन 1 लगाएंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस
कह रहे इक्वी डिस्टेंस, तो भैया वो फटाफट ऐसे बनाएंगे, एक लाइन लेंगे और कहेंगे ये हो गया दोनों से बराबर, इक्वी डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होने चाहिए एक्स और वाई के, तो कहेंगे ऑप्शन वन। लेकिन जो तुम सोच रहे हो ना, ऊपर वाले भी ये सोच चुके होंगे, तो उन्होंने कुछ तो तिकड़म लगाई होगी। इतना आसान नहीं है, दोबारा IIT का क्वेश्चन है भाई, हलवा नहीं है कि आसानी से पचा लोगे, पचाने के लिए अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करना पड़ेगा। ठीक है चलो, फिर क्या गड़बड़ा इस क्वेश्चन के अंदर, तो देखो उसने ये कहा इक्वी डिस्टेंस, तो इक्वी डिस्टेंस की कंडीशन क्या हो सकती है, तो मैंने देखा इक्वी डिस्टेंस का मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के मैग्नीट्यूड बराबर होनी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड बराबर होने का मतलब कि जो हमारी लाइन है, अगर मैं कहूं तो y इक्वल टू एक्स, ये भी पॉसिबल है कि मान लो ये यहां से और ये बराबर है, ऐसे हो सकता है दोस्तों y इक्वल टू माइनस एक्स भी तो हो सकती है, कि भाई मान लो y इक्वल टू माइनस एक्स जो लाइन है हमारी वो भी भाई ठीक है, मान लो इसको पूरा ऐसे ये मैग्नीट्यूड बराबर आ जाए, तो ये भी तो पॉसिबल हो सकती है। तो चेक करें कौन सा करेक्ट है, अगर इससे पॉसिबल नहीं, मान लो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हो कहीं पे, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन वन ही का, अगर कहीं और कर रही है तो चेक करना पड़ेगा अपने को। चलो देख लेते फिर, तो भाई क्या करें, अगर इंटरसेक्ट करें तो वाई इक्वल टू एक्स में पुट करूं, देखूं कोई पॉइंट मिल रहा है मुझे क्वाड्रेंट में, अगर क्वाड्रेंट में पॉइंट मिल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको पुट करके देखूं कोई क्या कुछ कोई पॉइंट हमें मिल रहा है, मिल रहा है तो मतलब वो क्वाड्रेंट भी होगा, नहीं तो और किसी क्वाड्रेंट में भी चेक करना पड़ेगा अपने को। ठीक है अच्छा, देखो ये लाइन ऐसे क्यों बनेगी, कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं, तो देखो इक्वेशन क्या है स्ट्रेट लाइन की, 3x + 5y इक्वल टू है 15, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दो, तो भैया x इंटरसेप्ट कितना है 5, तो मतलब ये वाला डिस्टेंस बड़ा है, तो ये हो गया 5, 0, ये कम है तो ये हो गया 0, 3, तो लाइन जो होगी भैया ऐसे करेगी, उधर जाने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है बात सुनना है, क्यों मैंने ऐसे लिया, ओके तो देखो पुट करो केस वन, कि अगर y इक्वल टू एक्स पुट करता हूं, तो y इक्वल टू एक्स पुट कर रहा हूं इस वाली इक्वेशन के अंदर, देखो तो क्या आ जाएगा आपका, तो y की जगह x पुट कर रहा हूं तो 8x इक्वल टू 15, चलो डायरेक्ट कर दे रहा हूं, तो यहां से x आ गया मेरा 15/8, अगर x 15/8 आ गया तो x इक्वल टू y तो है, तो y भी यहां से आ गया, तो भैया ये तो हमें मिल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट तो कंफर्म है, सेकंड क्वाड्रेंट में देखें जरा क्या उसमें कर रहा है, केस टू के अंदर हम कुछ मिल रहा है, तो भैया उसमें भी पुट करा x इक्वल टू माइनस y पुट कर रहे हैं इसमें, सॉरी y इक्वल टू माइनस x, y इक्वल टू बात एक ही है वैसे, कोई x इक्वल टू माइनस y पुट करो या y इक्वल टू माइनस x पुट करो, कुछ फर्क नहीं है इसमें, तो जैसे ही मैं पुट करूंगा तो देखो x की जगह माइनस पुट करूंगा तो यहां मेरा आ जाएगा, तो ये अपना आ गया 3 × x की जगह मैं पुट कर रहा हूं y की जगह, तो ये हो गया 3x - 5y = 15, तो यहां से x आ गया मेरा -15/2, अगर x ये आया है तो y क्या होगा भाई, पॉजिटिव आ जाएगा, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में y क्वाड्रेंट क्या होगा यहां पे पॉजिटिव होगा, और एक्स क्या होगा ऑब्वियसली बात है नेगेटिव होगा, तो सेकंड, तो कौन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी, आई बात समझ में, तो इसमें मैं बोल रहा हूं 90% कुछ बच्चे देखेंगे इस क्वेश्चन को और क्या करेंगे सीधा बी ऑप्शन, हम लोग जैसे जब इंजीनियरिंग की तैयारी करते तो बोलते थे ना कुछ समझ में ना आए तो बी ऑप्शन मार देते हैं, मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं बी ऑप्शन है यही करेक्ट होगा, ना ऐसा नहीं है। ठीक है तो अगर ऑप्शन कई बार इजी लगे तो रुको, थामो अपने आप को, जज्बातों को थोड़ा सा कंट्रोल करो और देखो कि कुछ तो लोचा है भाई, कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है चलो फिर स्टार्ट करते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा इफ इन ए पैलोग्राम ABDC, ठीक है द कोऑर्डिनेट ABC दे रखे हैं आपको, ओके इक्वेशन ऑफ डायगनल AD, इक्वेशन ऑफ डायगनल AD आपसे पूछ रहा है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन इजी या डिफिकल्ट है देखने में क्या लग रहा है, इजी लग रहा है ना, तो इजीली सॉल्व करते हैं, अगर डिफिकल्ट होता तो डेफिनेटली सॉल्व करते हैं, चलो इजी है तो मेरे ख्याल से क्या बोल रहा है, पैलोग्राम बोल रहा है, कह रहा है उसे क्वाड्रेंट आपको गिवन है क्या, फटाफट आओ टाइम खराब नहीं करना है, जल्दी बी दे रखा है आपको 3, 4, सी दे रखा है 2, 5, डी अपने को पता नहीं है, तो डी को अपने कुछ पता नहीं तो भैया एक्स वाई लेट कर लिया, और डायगनल AD की मतलब द इक्वेशन
ऑफ डायगनल ए डी, ठीक है, ए बी सी। तो मान लो अगर इसने, चलो इसने कुछ डायगनल बोला है तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। चलो इसको हम एक्स वाई बोल रहे हैं, इसको डी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही अपने पास। 1 2 3 4, ठीक है, सी हो गया अपना 2 5, ठीक है, चलो ये हो गया अपना सी, हो गया 2 और 5। चलो एक बार रेज कर लेता हूं मैं इस पूरे को। तो ए भी दे रखा है, सी इसको लेट कर ले रहे हैं हम, जिसके दे रखे हैं अपने आपको 2.5, और डी डायगनल बोल रखा है तो ऐसे लेना पड़ेगा, तो इसको लिया x, y, कोई तकलीफ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं हो। तो ये ए डी की इक्वेशन आपसे पूछ रहा है। तो देखो, आपको याद आ रहा होगा कि लास्ट क्लास में भी कुछ इसी टाइप का एक क्वेश्चन था या नहीं था? नहीं था, मजाक कर रहा हूँ। चलो इधर देखो एक बार, तो क्या है, डायगनल निकालना है। तो दोस्तों नॉर्मली ये रेक्टेंगल हुआ, आपका स्क्वायर हुआ, रोम्बस हुआ, ये पैलोग्राम हुआ, नॉर्मली डायगनल की बात आए तो भैया पहला जो पॉइंट है जो आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए वो है कि भाई डायगनल तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, कहीं वही तो फंडा नहीं लगाने के लिए बोल रहा है ये। तो एक बार सोचें, करके देखें, क्या बोलते हो? चलो देखो जरा। तो देखो, हमें तो कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो इजीली आ जाएंगे कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो भैया डायगनल बाइसेक्ट करते हैं, तो भैया ये डायगनल और डायगनल दोनों कहाँ एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली बात है मिड पॉइंट ही होंगे। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो ए डी का जो मिड पॉइंट है वो अपना क्या जाएगा, एक्स प्लस 1/2 शुड बी इक्वल टू क्या होगा, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, 2 + 3/2। तो यहां से एक्स मेरा दोस्तों आ गया 1 तो 4, ऐसे ही वाई निकालू तो इसका जो वाई आएगा ए डी का मिड पॉइंट वाई प्लस 2/2 किसके बराबर है, 4 + 5/2। तो ये आ गया मेरा वाई इक्वल टू 7। तो भैया x और y आ गया, अब क्या करें, AD की पूछ रखा है, तो भैया x 4 आ गया अपना, y 7 आ गए, ये आ गए, अब दो पॉइंट आ गए, इक्वेशन पूछ रहा है। तो भैया क्या दिमाग में आना चाहिए, टू पॉइंट फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन का, टू पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन याद आनी चाहिए। याद आ रही है, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इनटू x माइनस का x1, करेक्ट। तो लगा दो फटाफट, y माइनस का y1 लिख भी दे रहा हूं, चलो पुट करोगे ऑप्शन, क्या लिख रहे हो, सॉल्व कर दो भैया, कुछ तो कुछ करो। चलो कोई ना, कर देता हूं, इतने भी आलसी मत बनो, ठीक है, आओ। तो y माइनस y1, y1 को मैं ये ले रहा हूं, इनको मैंने मान लिया फॉर एग्जाम्पल x1 y1, ये हो गया x2 y2 लेट करो अभी यहां पे मैं। तो y1 मेरा क्या है, 2, y2 माइनस y1, y2 है मेरा 7 माइनस 2, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो x2 है अपना 4 माइनस x1 1, x माइनस का, इसको सॉल्व करोगे तो आपको इक्वेशन सी मिल जाएगी, दिखाई दे रहा है ना, 3x 5y। चलो कर ही देता हूं, यहां तक कर दिया है तो ये आ जाएगा अपना 3y माइनस का 6 5, तो 5x माइनस का 5, तो यहां से मेरी जो इक्वेशन आ रही है दोस्तों 5x माइनस 3y और 6 उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक है आलसियो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो कमेंट में लिख रहे हैं ना कि सर सॉल्व कर दो, मैं इसलिए नहीं सॉल्व कर रहा, बिकॉज हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ताकि ज्यादा से ज्यादा कर सकें, इस चीज को समझो, आप लोग कंसेप्ट समझो, कैलकुलेशन वाला पार्ट एटलीस्ट खुद से किया, बिकॉज जितना कैलकुलेशन हम टाइम खराब करेंगे उतने में अपन क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे। ठीक है चलो आ जाओ, चलो अच्छा क्या है भाई अगला क्वेश्चन, इफ द लाइन 3x प्लस 4y माइनस 24 इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, ओके 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 ठीक है। अरे क्या लग रहा है क्वेश्चन इजी है डिफिकल्ट है,
नारा याद रख लो, इजी है तो इजीली सॉल्व करना है, डिफिकल्ट है तो डेफिनेटली सॉल्व करना है। तो नारे के अकॉर्डिंग मुझे तो भैया ये इजी लग रहा है, बाकी करके देखते हैं क्या है, इजी है डिफिकल्ट है। तो कह रहा है एक लाइन है भाई, इंटरसेक्ट करी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इन सेंटर। तो इन सेंटर कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था क्या होता है, चिल्ला के बोलो, सुनाई दे रहा है, इतना भी मत चिल्लाओ, ठीक है ठीक है, क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंगल बाई सेक्टर का। ओके, तो ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन याद आ रहा होगा, तो ये इन सेंटर निकालने के लिए बोल रहा है। तो अपने दिया कर रखा है उसने, कह रहा है कोई लाइन है जो इंटरसेक्ट एक्सिस और वाई एक्सिस कर रही है, तो देख लेते हैं भाई कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो उससे पहले इंटरसेक्ट फॉर्म में चेंज कर लिया इसको, 3x + 4y = 24। इंटरसेक्ट फॉर्म में क्या करते हैं, यहां 1 बनाते हैं, तो x अपॉन में 24 अपॉन में 3, ये भी कर दे रहा हूं, नहीं तो कमेंट में लिखोगे कि सर इसको भी सॉल्व करके दिखाओ कैसे आया ये। तो x अपॉन में 8, y अपॉन में ये आ गया 6 = 1। तो x इंटरसेप्ट ना कितना है यहाँ पे 8,0, y इंटरसेप्ट अपना 0,6। ये ट्रायंगल बन गया, इसका इन सेंटर पूछ रहा है वो, तो भैया ओरिजिन दे रखे हैं ये 0,0। तो इन सेंटर का फॉर्मूला याद आ रहा है, ओके, इन सेंटर का फॉर्मूला जो हमारा होता है दोस्तों क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी सॉरी ए एक्स वन ए एक्स टू बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट के लिए अपने पास फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, ए वाई वन बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री ए प्लस बी प्लस सी, याद आ गया होगा। तो भैया x1 x2 x3 सब गिवन है, अब क्या बचा भाई ए बी सी। तो लेट सपोज इसको मैं a ले रहा हूँ, इसको b ले रहा हूँ, इसको c ले रहा हूँ, तो ए बी सी क्या होता है, a के अपोजिट वाली जो साइड उसकी लेंथ ये a हो गया, इसके अपोजिट वाली लेंथ ये b हो गया, और c के अपोजिट वाली लेंथ ये c हो गया। तो भैया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस में दिख रहा है कितना है 8, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस में दिख रहा है सी कितना हो गया 6 हो गया, और बी तो भैया राइट एंगल ट्रायंगल है, तो भाई पाइथागोरस लगा दो तो क्या दिख रहा है ये, या ट्रिपलेट तो दिख ही रहा है, एक बी क्या आ गया अपना 10 आ गया, अंडर रूट 36 × 64 क्या दिखेगा 100, अंडर रूट में क्या बाहर निकला 10, तो ये अपना आ गया। तो भैया सब तो गिवन है, पुट कर दे रहा हूँ, एक निकालूंगा दूसरा देख लेना। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकाल दे रहा हूँ ये, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है इन सेंटर का वो अपना आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ए अपना 8 × x1 x1 हम लोगों ने ये लिया है 0 प्लस बी, बी अपना 10, x2 वो भी अपना 0 प्लस सी, सी अपना 6 × x3 अपना 8 डिवाइड बाय तीनों का सम, तो भाई 6 × 8 14 प्लस 10 ये अपना आ गया 24। तो भैया कितना आ रहा है 6 × 8 और 10, 24 आ गया, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ से अपना आ गया 48 अपॉन में 24, तो सॉल्व करें क्या आ गया 2, तो 2x आया है चार ऑप्शन में से एक ही में, तो y भी निकालोगे पुट करोगे तो क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। किसी की तकलीफ आई थिंक किसी को भी किसी तरह की लग रही हो, नहीं लगनी चाहिए, होती नहीं अपनी क्लास में, हो रही है तो तुम लोगों ने नियम फॉलो नहीं किया। नियम क्या है, ध्यान से सुनना है बस, जो मुश्किल काम होता है क्लास में ये जो तुमने कर लिया तो फिर क्लास के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा थैंक यू, मज़ा आ रहा है, ओके ओके, बस ऐसे ही मज़ा आता रहना चाहिए तुम सभी को, ठीक है, ओके ओके। चलो दोस्तों मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए आई होप आप लोग को इस क्लास में मज़ा आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, एंटरटेन हुएंगे आप लोग, और आईआईटी जेईई के स्टेट लाइन के जितने भी रिसेंटली क्वेश्चन हैं अब आगे आपको तकलीफ नहीं देंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए अपना जो टॉपिक है दोस्तों ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कल हम स्टेट लाइन 2 पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पेयर ऑफ स्टेट लाइन और कुछ के रिगार्डिंग आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू सो मच गाइज़।